हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए जो न्यू भर्ती आई हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट आई है, उसके बारे में आप लोग बताने वाला हूं संपूर्ण जानकारी। उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी सैलरी वैलरी है, कब एग्ज़ाम डेट है उसका का आप लोग का, जैसे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, कब तक लास्ट डेट है, आप लोग का संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूँगा। अभी तक आप लोग पता चल गया है एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। और सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इस लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगा। हर एक चीज़ का पीडीएफ फाइल अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी 2025 के लिए जो भी बच्चे आवेदन किए हैं, जो आवेदन करेंगे, मतलब कि आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग अभी चाहें तो कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हुई है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि स्टेट वाइज बता दीजिए कि स्टेट हमारे स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट में कितना है, जैसे दिल्ली में कितना है, तो मैं हर एक स्टेट का वैकेंसी बता दूंगा आप लोगों का किस किस जोन में, क्योंकि वैकेंसी टेबल भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में तो आप लोग ओवरऑल वैकेंसीज मिल जाएगी। लगभग आप लोग का 40,000 मान के चलिए वैकेंसी आप लोग के होने वाला है इसमें। ठीक है, और आप लोग मैं बता देता हूँ कि इसमें तो आप लोग का ओवरऑल वैकेंसी किस डिपार्टमेंट जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, ये सब में कितनी कितनी वैकेंसी है। लेकिन स्टेट वाइज आप लोग कितनी वैकेंसी आई हुई है, जैसे बॉर्डर एरिया में आप लोग बॉर्डर एरिया में कितनी है, नक्सल इफेक्टेड एरिया में तो नक्सल इफेक्टेड एरिया में कितनी है, डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें कितने, ऐसे करके मैं आप लोग बात कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग जिस भी स्टेट को होंगे आप लोग उस वीडियो को मैं आप लोग का वैकेंसी टेबल का बना के एक वीडियो आप लोग का सामने पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। देखिए आप लोग मैं बता दूँ, ये आप लोग का टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन आप लोग का SSC.gov.in, जो SSC की न्यू वेबसाइट है SSC.gov.in ऑन 5/9/2024। ठीक है, 5 सितंबर से आप लोग का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है, और ये आप लोग एसएससी की न्यू वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग का SSC.gov.in पे। ठीक है, देखिए नोटिस क्या है, कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF एंड SSF असम राइफल GD इन असम राइफल एंड सौंपे हुआ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो आप लोग का 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी 2023-24 का जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना कुछ दिन पहले, उसके लिए मेडिकल का जो प्रोसेस, बहुत सारे बच्चे उसका एग्जाम पास कर लिए थे, सेलेक्टेड हो गए थे। फिजिकल का, मेडिकल का आप लोगों में बात करता हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी फिजिकल आप लोग का ना बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि फिजिकल कब होगा कि कब नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल से रिलेटेड भी मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, किस किसी कब से आप लोग का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है SSC GD 2024-25 के लिए, जो 23-24 के बैच के लिए। ठीक है, तो फिजिकल कब है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारा कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को उस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आप लोग बता दूँ, इसका जो फॉर्म ऑनलाइन का स्टार्ट होने वाला है ना, वो 5 सितंबर से स्टार्ट होकर 14 जो है अक्टूबर तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद से लास्ट डेट आप लोग का 14 अक्टूबर तक ही रखा गया है रिसीव के लिए। उसके बाद से ठीक है, उसके बाद मेकिंग फीस पेमेंट आप लोग 15 तारीख तक अक्टूबर तक कर सकते हैं, 15 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक। ठीक है, उसके बाद से आप लोग का विंडो ऑफ करेक्शन के लिए आप लोग को विंडो करना, लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग का पेमेंट करना पड़ेगा विंडो करेक्शन के लिए। अगर इसलिए आप लोग फॉर्म में कोई भी चीज़ भरिएगा सावधानी से भरिएगा। अगर एक बार गलती हो गई तो आप लोग सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो ये चाहे कोई भी कैटेगरी हो, SC, ST, OBC, जनरल, हर एक कैटेगरी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और ये आप लोग का करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा, तो आप लोग का 5/11 से लेकर 7/11 तक के बीच में रहेगा। ठीक है, नवंबर 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर, 2 दिन का लगभग 3 दिन के लिए आप लोग का ये ओपन हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग को बता देता हूँ इसका एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम डेट आप लोग का टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी, आप लोग फरवरी इसका मान के चलिए, क्योंकि ये हर एक भर्ती का टेंटेटिव ही आता है, लेकिन वो रियल में उसी डेट को होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फरवरी मान के चलिए कि आप लोग का फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा SSC GD का। ठीक है, इस चीज़ का, और इसी अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन अपना करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है आप लोग का रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग मैं बता दूं कि बताया गया है PET, PST, फिजिकल एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्यूचर और रिक्रूटमेंट ऑफ एस फॉलो। उसके बाद ये सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, जनरल ड्यूटी, ये सारा कुछ ये सब है। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होगा। कौन कौन है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाब, तमिल, तेलुगू, उर्दू, इन सभी भाषा में एग्जाम होगा आप लोग का। और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ टोटल 13 रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शेड्यूल कंडक्टेड बाई CAPF। सीएपीएफ की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा ये सब चीज़, सब सारा चीज़ ठीक है। उसके बाद टोटल कितनी वैकेंसी है, इसका पे लेवल का है, क्या है, उसका सैलरी कितनी है, सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बता दे रहा हूँ आप लोग का। देखिए इस बार आप लोग की टोटल भर्ती जो आई है एसएससी जीडी की ना, वो 39,481 पोस्ट पे आप लोग की भर्ती आई हुई है, जिसमें फीमेल की मैं बात करूँ, महिला के बच्चों के लिए ठीक है, फीमेल की बात करूँ तो 3,869 वैकेंसी फीमेल के लिए केवल है ठीक है। और मेल की मैं बात करूँ तो मेल में आप लोग का है 35,612 मेल में है ठीक है, और मेल में आया ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आप लोग का बीएसएफ मेल में कितनी है, तो बीएसएफ की अगर बात करूं तो बीएसएफ में इस बार 13,306 वैकेंसी आई हुई है मेल में ठीक है। और सीआईएसएफ की मैं बात करूं तो 6,430 वैकेंसी है सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ की मैं बात करूँ तो 11,299 लगभग मान के चलिए 11,300 करीब वैकेंसी है सीआरपीएफ में। एसएसबी की मैं बात करूँ तो 819 वैकेंसी है एसएसबी में। आईटीबीपी में आप लोग का 2,564 वैकेंसी है। असम राइफल में आप लोगों का 1,148 वैकेंसी है। एसएसएफ में 35 वैकेंसी है और एनसीबी में आप लोगों का 11 वैकेंसी है ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का टोटल 35,612 वैकेंसी हो जाता है मेल कैंडिडेट के लिए ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल में बीएसएफ का टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ, फीमेल में बीएसएफ कितनी है, ऐसे ही मैं आप लोगों का फीमेल में बात करूं तो फीमेल में बीएसएफ की लिए वैकेंसी कितनी है। देखिए बीएसएफ की फीमेल में वैकेंसी है आप लोग के 2,348, सीआईएसएफ की है 715, सीआरपीएफ की है 242, एसएसबी की एक भी वैकेंसी नहीं है फीमेल में, आईटीबीपी की 453 और असम राइफल की 100 वैकेंसी है और एसएसएफ की एक भी वैकेंसी नहीं है और एनसीबी की 11 वैकेंसी है फीमेल में ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 3,869 वैकेंसी हो जाती है फीमेल में। तो ये मैं आप लोग का वैकेंसी बता दिया हूँ और ओवरऑल वैकेंसी 39,481 वैकेंसी रहती है ओवरऑल वैकेंसी ठीक है, मेल और फीमेल को मिला करके। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग का स्टेट वाइज भी वैकेंसी बता दूंगा कि स्टेट वाइज आप लोग कितनी कितनी वैकेंसी है। और इसमें मैं बात करूँ अगर ये सैलरी की मैं बात करूँ, देखिए सैलरी में आप लोग का पे लेवल 1 की वैकेंसी है कौन सी, 4 ऑफ द पोस्ट ऑफ एनसीबी की जो वैकेंसी आई हुई है एनसीबी की वैकेंसी, वो पे लेवल 1 की वैकेंसी है ठीक है, पे लेवल 1 की वैकेंसी। और इसमें इसकी बेसिक पे होती है जो 18,000 होती है और 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है आप लोग का ठीक है। पे लेवल 1 की वैकेंसी होती है एनसीबी की केवल, एनसीबी मतलब ये वाली पोस्ट के लिए ठीक है। और बाकी इन सभी पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए पे लेवल 3 की वैकेंसी है ये सभी पर ठीक है। और इसका आप लोग का पे लेवल 3 का वैकेंसी होने के कारण से 21,700 इसका आप लोग का बेसिक पे बनता है, इसी 21,700 और 21,700 लेकर के 69,100 के बीच में आपको सैलरी में देखने को मिलेगी। ये आप लोग अगर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ में आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, ये पे लेवल 3 की वैकेंसी होती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें और सब वैकेंसीज की कि जैसे कि सिलेबस इसका क्या है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और देखिए सबसे बड़ी बात एज की, तो एज में आप लोग को देखिए 18 से 23 साल एज आप लोग का है ठीक है। 18 से 23 साल, अगर आप लोग एससी है तो 5 साल छूट, ओबीसी है तो 3 साल छूट है आप लोग का, ऐसे करके। और आप लोग कैसे काउंट करोगे, अगर 1 जनवरी ठीक है आप लोग का 1 जनवरी 2025 पे आप लोग का एज काउंट होने वाला है इस बार का ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक आप लोग 18 से 23 के बीच हो जाइएगा। और अगर रिलैक्सेशन वाले हैं तो रिलैक्सेशन +5 +3 करके देख लीजिएगा ठीक है। और आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है ना, डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी से लेकर के 1/1/2007 के बीच में होना चाहिए। इस बीच में आप लोग अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट। अगर SC, ST, OBC है तो आप लोग का छूट में है आप लोग का कुछ ठीक है, उस चीज़ का भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ इसमें और सब चीज़ के क्या इसका उसके बाद है। और आप लोग को फॉर्म भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट की जरूरत लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। और आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के का सर्टिफिकेट में कैसे कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसकी मैं 2 वीडियो अपने चैनल प्रोवाइड करा रखा हूँ। इस वीडियो का लास्ट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अभी आई बटन पर भी आप लोग को देख रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनती है उसकी वीडियो ठीक है। तो उसका चाहे तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग SC, ST की, OBC कोई भी कैटेगरी है, EWS, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट अपने जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाइएगा उस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन है आप लोग का कि जो SC, ST, OBC, EWS है ना, वो आप लोग का फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 अक्टूबर 2024 के पहले का होना चाहिए बना हुआ आप लोग का, तो आप लोग बनवा लीजिए अभी आई ठीक है। इसी से आप लोग इसके बाद से मैं आप लोग बता देता हूँ और सब चीज़ में पॉइंट में। अगर आप लोग का एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग का एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर SC सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि 100 आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होता है आप लोग का SSC GD का ठीक है। 160 नंबर का 160 नंबर का 5% आप लोग का देखने को मिलेगा। आप लोग का 5% आप लोग का एससी सर्टिफिकेट के लिए, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 3% का मिल जाएगा नंबर आप लोग का एक्स्ट्रा, और ए सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिल जाएगा, 2% आप लोग का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये परसेंटेज ऐसे 160 का परसेंटेज निकालिएगा, ठीक है, 5%, 3%, 2%, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई जाकर अभी भी कर सकते हैं, आप लोग फॉर्म एक्टिव हो गया है अप्लाई करने के लिए लिंक, ठीक है। और आप लोग 14 तारीख से पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का 100 रुपया फीस लगता है आप लोग का, बाकी सारा कुछ वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कॉपी कट पेस्ट करके है पिछले बेनिथियों का। और उसके बाद इसकी सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस का अगर तो देख सकते हैं, सिलेबस मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, बाकी ये सारा कुछ आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। सिलेबस एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सिलेबस देखिए, सिलेबस इसकी है आप लोग का पता ही होगा, 80 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलता है आप लोग का, और आप लोग का 1/8 आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जन रीजनिंग की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आता है, जीके की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आता है, मैथ की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आता है, और हिंदी या इंग्लिश कोई एक करना रहता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप लोग का 40 मार्क्स का रहता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, टोटल 80 क्वेश्चन और आप लोग का 160 नंबर का एग्जाम, ठीक है, रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आप लोग बता दिए हैं मैं पहले ही कि रहता है आप लोग का जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न है, भाषा जो भी है, उसके बाद से आप लोग का सारा कुछ ही कर दिया जाएगा। उसके बाद से रीजनिंग का एक सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर जीके के क्वेश्चन देख लीजिए किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद से ऐसे ही आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख लीजिए किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ऐसे ही आप लोग हिंदी का देख लीजिए और इंग्लिश का किस किस से पूछे जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, फिजिकल पीईटी पीएसटी के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, पीईटी पीएसटी के लिए आप लोगों को कॉल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग का सारा कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट होगा, एग्जाम होगा। और इस बार के भी एग्जामिनेशन में आप लोग का देखिए बोला गया है अंडरटेकन बाय ऑफ द डीएमई डीवी देयरफॉर, ठीक है। इस बार भी शायद आप लोग का ना डिटेल सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ डीबी आप लोग का ये सारा कुछ बताया गया, ठीक है। शायद इस बार भी आप लोग का मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सारा कुछ इस बार एक ही बार होगा इस बार की वैकेंसी में भी, ठीक है। और आप लोग का मैं फिजिकल की मैं बात करूँ तो फिजिकल कैसे क्या क्या मेजरमेंट होता है, तो देखिए फिजिकल मेजरमेंट की मैं बात करूँ अगर ना तो फिजिकल में आप लोग का 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मीटर में होता है मेल के लिए, और 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है, 7 मिनट में फीमेल के लिए। और फीमेल के लिए आप लोग की मैं बात करूँ आप लोग एक मैं बात करूँ एक मिनट आप लोग का 1600 मीटर फीमेल आप लोग का, हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, और 5 किलोमीटर आप लोग का नॉर्मल कैंडिडेट थी है तो 1600 मीटर 7 मिनट में, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का कैंडिडेट लद्दाख रीजन क्रीमार्क और अब लद्दाख रीजन का, ठीक है, लद्दाख रीजन के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है ऐसे कैंडिडेट का, ठीक है। और यहाँ पे फॉर द अदर दैन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, और बाकी कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट का टाइम देता है फीमेल में, ठीक है। आप लोग मैं यहाँ पे एक बार और चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट के लिए मेल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और लद्दाख रीजन से फॉर्म भर रहे हैं, लद्दाख से जो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग मेल कैंडिडेट हैं लेकिन आप लोग का 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं होगा, आप लोग का 1600 मीटर का रनिंग होगा 7 मिनट में, ठीक है। और अगर आप लोग लद्दाख रीजन के फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, लद्दाख से जो भी फॉर्म भरेंगे वो फीमेल अगर कैंडिडेट है ना तो उनकी 800 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट में। और अगर लद्दाख को छोड़ करके बाकी अदर इंडिया के किसी भी स्टेट के अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का तो 1600 मीटर की रनिंग होगी 8.5 मिनट में, ठीक है, ऐसे आप लोग का है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और इसमें फिजिकल की मैं बात करूँ फिजिकल मेजरमेंट की, तो फिजिकल में हाइट या जो मेल की मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, फीमेल की मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। और अगर आप लोग SC ST से हैं तो SC ST का मेल का कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, और फीमेल का SC ST का 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, ठीक है, ST कैंडिडेट के लिए। इस चीज़ का आप लोग देख लीजिएगा केयरफुली, ठीक है। बाकी सारा कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग कैसे कैसे किस किस के रिलैक्सेशन दिया गया है तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए जिसमें मैं आप लोग बताने वाला 2023-24 बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल मेडिकल सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होना, और कब से स्टार्ट हो रहा है मेडिकल, मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मैं डिटेल में आप लोग बताऊँगा, ठीक है। और वहीं पर पे मैं बात करूँ अगर चेस्ट की मेल में, तो मेल का चेस्ट में अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला करके 85 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट में है जनरल के लिए। और एसटी अगर आप लोग हैं तो एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला करके, तो आप लोग का 76, 5, 81 सेंटीमीटर, ठीक है। 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर के बीच में आप लोग का चेस्ट होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी सारा कुछ यही है आप लोग का, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में मैं आप लोग बता ही दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट में आप लोग का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आप लोग का, ठीक है। डोमिसाइल, मेट्रिकुलेशन, उसके बाद अगर एनसीसी है तो एनसीसी ले जाइएगा। एनेक्चर आप लोग के पास एनेक्चर ले जाइएगा अगर आप लोग छूट ले रहे हैं तो। एक सर्विसमैन कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का, बाकी सारा कुछ यही है, ठीक है। एनेक्चर आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एनेक्चर बिफोर पर्सनल फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड नोटिस सर्विस सर्विंग डिफेंस पर्सनल नहीं आप लोग, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। उसके बाद से ये आप लोग सारा कुछ मैं डिटेल्स बता दूंगा मोटा मोटी आप लोग को, ठीक है। बाकी सारा कुछ इसमें और कुछ नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग अपना अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कैसे कि वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर कोई भी चैनल न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हर एक PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मेरे सबसे पहले आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।